Today, we'll start with the introduction to economics. In your class 11, we are continuing with this book. हम लोग इस बुक से फॉलो कर रहे हैं. So let us go through. तो ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर. दिस फर्स्ट चैप्टर विल बी कवरिंग व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स, व्हाट इज पॉजिटिव नॉर्मेटिव एंड विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये सब कुछ चीजें जो हम लोग को पढ़नी है. फाइन. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको बताया गया है, इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने बताया था. नाउ मैं एक बार फिर से बताती हूँ, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट. द साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स वाज बोर्न विद द पब्लिकेशन ऑफ एडम स्मिथ एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस इन द ईयर 1776. This is the history. This is how this economics, the concept of economics came. Means this only came means Adam Smith. We are aware of Adam Smith. Adam Smith. You will be hearing different types of name like Adam Smith hai, Alfred Marshall hai. ये सब कुछ eminent economist हैं, जिनका contribution ये economics के subject में बहुत ज़्यादा रहा है. So ये जो economics as a science, this came up with the publication of Adam Smith. Adam Smith ने एक book निकाली थी, that was the topic was an inquiry into the nature and causes of wealth of nations in the year 1776. ये 1776 की बात है. Adam Smith is known as the father of economics. At its birth, the name of economics was political economy. अब Adam Smith ने, Adam Smith को हम लोग father of economics भी बोलते हैं. At its birth, जब ये economics का concept आया था, जब economics की birth की बात कर रहे हैं हम, तो economics का जो concept आया था उस टाइम में इसको पॉलिटिक्स से ज्यादा जोड़ा जाता था और इसीलिए इसका नाम था पॉलिटिकल इकोनॉमिक. ठीक है, अभी वी केम टू नो अबाउट इकोनॉमिक्स, देयर आर डिफरेंट नेम्स दैट वी यूज, बट ट्रेडिशनली व्हेन इट केम ओरिजिन वाज पॉलिटिकल इकोनॉमिक. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वाज अ डेफिनेट चेंज फ्रॉम यूज ऑफ वर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी टू इकोनॉमिक्स. अब 19th सेंचुरी के टाइम में ये जो वर्ड है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड इकोनॉमिक्स. नाउ इकोनॉमिक्स वर्ड का क्या डेराइवेशन, इसका मतलब क्या है? आप देखोगे ज्यादातर हम लोग जो भी कॉमर्स या मैनेजमेंट में टर्म्स यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली, ऑल वर्ड्स आर डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक से बहुत सारे वर्ड्स हम लोग लिए हैं. ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स का जो डेराइवेशन है, इट वॉज फ्रॉम द टू वर्ड्स, ग्रीक वर्ड्स, ओइको अ हाउस एंड नोमोस टू मैनेज. दैट मीन्स हाउसहोल्ड या होम मैनेजमेंट, किस तरीके से एक हाउसहोल्ड को या घर को मैनेज किया जाता है. ठीक है, सो दस द वर्ड इकोनॉमिक्स वॉज यूज टू मीन होम मैनेजमेंट विथ लिमिटेड फंड्स अवेलेबल इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर पॉसिबल. तो ओइकोस जैसे घर, अ हाउस एंड नोमोस टू मैनेज. तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का डेराइवेशन ही ऐसा है कि एक हाउसहोल्ड, एक घर कैसे मैनेज कर रहे हैं. तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में कि एक हाउसवाइफ जो होती है ना, सबसे अच्छे वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से कांस्टेंट रिसोर्स, कांस्टेंट में स्केयर्सिटी में, मतलब दे विल मेक अ चॉइस कि कैसे रिसोर्सेस की कमी है, स्टिल दे यूज इट इन अ वेरी एफिशिएंट, इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर दे कैन यूटिलाइज इट. तो आप देखते हो कि कम रिसोर्सेज हैं, फिर भी एक मम्मी जो है, हाउसवाइफ जो है, या मम्मी स्पेशली, आप देखो कम चीजों में भी बहुत अच्छी चीजें बनाती हैं, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करती हैं. ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल मैनर में. तो ये इकोनॉमिक्स का डेराइवेशन ही है हाउस मैनेजमेंट से, होम मैनेजमेंट से. लियोनेल रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द साइंस ऑफ स्केयर्सिटी. ठीक है, साइंस ऑफ स्केयर्सिटी, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, स्केयर्सिटी की बात आ गई यहाँ पर. तो स्केयर्सिटी तो क्लियर है कि स्केयर्सिटी मीन्स ही कमी. तो एवरी टाइम वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्केर्सिटी, कमी, तो आप बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स पूरा क्या रिसोर्स स्केर्सिटी के ऊपर ही है. तो इट्स एक्चुअली इट इज अबाउट स्केर्सिटी. सो साइंस ऑफ स्केर्सिटी. प्रोफेसर रॉबिन्स इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेट्स, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अब प्रोफेसर रॉबिन्स का जो डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स साइंस के बारे में उन्होंने बताया है इन हिज बुक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस,
उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने लिखा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केयर्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस. नाउ ये देखो इन्होंने जो बताने की कोशिश की उसका मतलब क्या है. एक ह्यूमन बींग है, सपोज ही इज अ ह्यूमन बींग. नाउ ही विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉन्ट्स. नीड्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर लोगों का नीड्स होता है जो कि लिमिटेड है. नीड्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होते किसी की. नीड्स के नीड्स मतलब हमारी बेसिक नेसेसिटी फॉर लाइफ. इसके अलावा वी हैव डिफरेंट वॉन्ट्स, 1, 2, 3, 4, देयर आर न्यूमरस वॉन्ट. इतने सारे चीजें चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए. बट स्केयर्सिटी तो अलग है, या फिर रिसोर्सेज जो है वो तो स्केयर्स है. जैसे मेरे पास लिमिटेड फंड है. With this limited fund, I will always try to fulfill or satisfy all my wants. अब इनको मैं categorize करती हूँ, किसको इसकी priority ज्यादा है तो ये पहले ले लो, फिर ये वाली ले लेंगे. इसकी priority ज्यादा है तो ये पहले ले लो, उसके बाद ये ले लेंगे. तो ultimately with this scarce resources, हमें choose करना पड़ता है किसको ले किसको नहीं ले. ठीक है, between ends and scarce means which have alternative uses. Okay, now. Professor Samuelson defines economics as the study of how men and society choose with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society. Is definition mein ye kya batane ki koshish ki? इस डेफिनेशन में सैमसन बताने की कोशिश किया, बहुत ही इलैबोरेटली उन्होंने बताने की कोशिश किया कि सोसाइटी में, समाज में हम लोग इंडिविजुअली भी रहते हैं और ग्रुप्स भी रहते हैं. बहुत सारे लोग सोसाइटी में तो हर लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, अभी इसमें से कोई प्रोड्यूसर है, एक ये प्रोड्यूसर है एंड वी ऑल आर कंज्यूमर. प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, रॉ मटेरियल्स को यूज करके मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है. तो ही इज अ प्रोड्यूसर. ठीक है, तो एक प्रोड्यूसर है ये और यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर है, बहुत सारे कंज्यूमर है, हो सकता है ये और एक प्रोड्यूसर भी है. तो यहाँ पे इस समाज में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं और बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, राइट. अभी प्रोड्यूसर ऑल्सो, क्योंकि प्रोड्यूसर की जो रिसोर्सेज है दैट इज ऑल्सो लिमिटेड. ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर के पास बहुत एकदम अनलिमिटेड मतलब रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है. प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज है और जो कंज्यूमर्स है उनके पास भी रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है. तो प्रोड्यूसर भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है इन अ बेस्ट एंड एफिशिएंट मैनर. कि भाई किस तरीके से हम यूटिलाइज करें सो दैट वी कैन गेट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और ऐसी चीजें बनाए जिससे सोसाइटी के नीड्स को फुलफिल कर सके. तो प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू यही रहेगा कि हम अपने जो स्केयर्स रिसोर्सेज है, utilizing the scarce resources, producer will think from his point of view कि भाई मुझे production करना है, तो production करते वक्त मुझे क्या करना है, मुझे देखना है कि I have to utilize my scarce resources, मेरे scarce resources है, किस में लगाऊं, A में लगाऊं या P में लगाऊं, I need to consider this, ठीक है, so that if I produce A, ये सबसे ज्यादा need satisfy करेंगे, हमारे सबसे ज्यादा need satisfaction process या हमारी सोसाइटी का भला होगा अगर मैं अपने स्केयर्स रिसोर्सेस को लगाती हूँ प्रोडक्शन ऑफ ए में, विच इज अ मेडिसिन. मे बी अभी के टाइम में तुम ले लो एक वैक्सीन बनानी है, तो मेरे पास स्केयर्स रिसोर्सेस, मेरे पास कुछ रिसोर्सेस हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, तो मेरे पास रिसोर्सेज जो वो तो स्केयर्स है, लिमिटेड. मे बी 5 लाख 10 लाख 20 लाख वट एवर मेरे पास ये रिसोर्सेज है. अब आई थॉट कि मेरे पास दो प्रोजेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी. मैं सोच रही हूँ एक कपड़े की दुकान खोलू स्टार्ट करूँ, या तो मैं एक वैक्सीन का ट्रेडिंग स्टार्ट करूँ, या वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस लेकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करूँ विद द डेफिनेटली कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल. तो अभी अगर ये यूज करती हूँ तो आज की डेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोसाइटी का बहुत भला होगा, सोसाइटी को इसकी जरूरत है रादर देन कपड़े की दुकान की. वो कपड़े तो बहुत जन बेच रहे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जूट मिल्स हैं, बहुत सारे टेक्सटाइल कंपनीज हैं. तो अल्टीमेटली आई शुड तो प्रोड्यूसर एज अ प्रोड्यूसर आई विल कंसिडर यूटिलाइजिंग माई रिसोर्सेज इन द अपॉर्चुनिटी विच विल हेल्प फॉर द वेलफेयर, मीन्स इट विल एक्चुअली एनहांस द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो एज अ प्रोड्यूसर भी हमें सोचना होता है और एज अ कंज्यूमर भी हमें सोचना होता है कि मैं जो कंजम्पशन कर रहा हूँ, वेदर इट इज फाइन,
मेरे स्केयर्स रिसोर्सेज, एक तो मेरे रिसोर्सेज स्केयर्स हैं, तो मुझे पहले तो वो चूज करना है कि वन को चूज करूं या मैम आपका वॉइस क्रैक हो रहा है. वॉइस क्रैक हो रहा है मे बी ड्यू टू इंटरनेट अनस्टेबिलिटी. इज दिस क्लियर नाउ? अभी ठीक है मैम? ओके. सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, ये वाले डेफिनेशन पे हम थे. तो यहाँ पर हमने देखा कि सैमुअलसन ने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि अल्टीमेटली वी ऑल स्टे इन अ सोसाइटी, आइदर अ प्रोड्यूसर और अ कंज्यूमर, वी बोथ स्टे इन अ सोसाइटी. तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है कि स्केयर्स रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, सो दैट जो वो अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एंड वेलफेयर ऑफ द स्टेट. ठीक है. सेकेंडली एज अ कंज्यूमर ऑल्सो वी मस्ट थिंक कि अपने कंजम्पशन को हम इस तरीके से करें सो दैट वो बेस्ट पॉसिबल, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हमारे रिसोर्सेस का दोनों. तो यहाँ पर थे हम लोग. इट इज मॉडर्न एंड वाइडर इन स्कोप. दिस डेफिनेशन एम्फसाइजेस ग्रोथ ओवर टाइम. इट इज मॉडर्न एंड वाइडर इन स्कोप. द डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. देखो यहाँ पर बहुत, ये जो डेफिनेशन है ये काफी इलेबोरेट है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीजों को देखा गया. कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. Hence, it is most satisfactory definition of economics. This definition has been accepted universally. ये वाला definition जो है काफी universal acceptance है इसका, Samuelson का definition, क्योंकि यहाँ पर actually economics का जो definition है या actual जो economics का मतलब है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. Fine, मतलब यहाँ सारी चीजें हैं. प्रोडक्शन कैसे करनी है, प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, कंजम्पशन कैसे करना है, एवरीथिंग, कंजम्पशन कैसे होगा, एवरीथिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन. सो दिस डेफिनेशन इज एक्चुअली एक्सेप्टेड यूनिवर्सल. ओके. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये दूसरा पार्ट में हम लोग आ जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स के डिफरेंट डेफिनेशन हमने पढ़े, अब हम आ जा रहे हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स. बिफोर 1930s there was only one economics. Ragnar Frisch coined the word micro and macro in 1933 to denote the two branches of economic theory, namely microeconomics and macroeconomics. Dekho, ye jo subject matter hai, Ragnar Frisch ne ye do term